अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 16.11, विच इज़ द यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। सो हम लोगों ने स्टडी किया, डिफरेंट हमारे पास लॉजिक गेट्स आ रहे थे। एंड गेट था, नैंड गेट था, और गेट था, एक्स और था, नहीं हम लोगों ने एक्स और नहीं बल्कि नॉर एंड नैंड गेट को डिस्कस किया, ठीक है। सो हम लोगों ने ये तमाम गेट डिस्कस तो कर लिए, लेकिन इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम इनको हर जगह यूज़ करें, लेकिन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? हम इनको डिफरेंट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, इसको हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी इवन यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी लाइट्स वगैरह हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनमें भी क्या यूज़ हो रहे होते हैं? ये गेट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जिनके बिहाफ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो अब हम इसमें स्टडी करेंगे हमारे हाउस सेफ्टी अलार्म को, ठीक है। हाउस सेफ्टी अलार्म क्या है? बेसिकली जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि अलार्म ऑटोमेटिकली बजना शुरू कर देता है, ठीक है। समटाइम फायर के केसेस में ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली जो अलार्म है वो बजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि आपने अलार्म्स लगाए होते हैं ताकि अगर कोई भी जो चोर वगैरह एंटर होने लगे घर में तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है और उन अलार्म्स में कि आपको फौरन ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस टाइम कोई अननोन पर्सन या कोई जो है ऐसा पर्सन एंटर हुआ है जो हमारे लिए सेफ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक नैंड गेट को। नैंड गेट को यूज़ करके हम एक अलार्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे जो कि हाउस की सेफ्टी के लिए या किसी भी ऑफिस वगैरह की सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या यूज़ करना है इस हाउस सेफ्टी अलार्म में? एक हमारा है LDR, ठीक है। L मीन्स लाइट, D फॉर डिपेंडेंट एंड R फॉर रेजिस्टर, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एक रेजिस्टर जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट पे, ठीक है। जब तक उसके ऊपर लाइट फॉल करती रहेगी तो वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, ठीक है। वर्किंग कंडीशन में कब तक रहेगा? जब तक उस पे लाइट फॉल करेगी। अगर लाइट उसके ऊपर फॉल करना बंद कर दी है, ठीक है, यानी डार्क हो गया, अंधेरा आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा एंड ऑफ होने की वजह से हमारा ये फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो ये हमारा LDR जो है ये क्या काम परफॉर्म कर रहा है? ये सिर्फ तब वर्किंग कंडीशन में होगा जब तक इस पे लाइट फॉल करती रहेगी, ठीक है। सेकेंडली ये हमारा एक नॉर्मल रेजिस्टर यूज किया हुआ, ठीक है, जिसके अंदर से करंट जो है वो पास आउट करेगा। देन हमने बेसिक फंक्शन किससे परफॉर्म करवाना है? नैंड गेट से, ठीक है। नैंड गेट क्या होता है? एंड का इन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग नैंड गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, ठीक है। क्या करते हैं हम इसमें दो इनपुट्स देते हैं और जो आउटपुट मिलती है वो उसका इन्वर्ट होके मिलती है, यानी बार के साथ मिलती है। लेट सपोज 00 01 10 11, पहले हम एंड के लिए लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देन हम इसको नैंड के लिए लिख लेंगे, ठीक है, एक्स बार लिख लेंगे। अगर हम सिंपली बात करें तो ये मैंने एंड के लिए लिखे, ठीक है। एंड में क्या होता है? दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई होने से 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 पे जस्ट हमारा 1 आंसर शो होता है, ठीक है। और नैंड गेट क्या है? इसका इन्वर्ट कर दिया जाए, यानी अगर हमारे पास एंड पे 0 0 पे 0 आ रहा है तो नैंड में ये 1 हो जाएगा। फिर अगर 0 1 पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 पे एंड गेट में हमारे पास 0 आते हैं, लेकिन इसका इन्वर्ट होके नैंड में हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। और 1 1 पे 1 शो करता है एंड गेट, और नैंड गेट में क्या होगा? इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, 0। तो 0 वो कंडीशन है जब हमारे पास अलार्म नहीं बजेगा, ठीक है। यही होता है ना कि अगर स्विच ऑफ है
यानी जीरो हम इनपुट दे रहे हैं, तो इट मींस कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन इन अ सेंस कि हमें आगे फर्दर लाइट नहीं प्रोवाइड करेगा. पीछे से तो सब कुछ हो रहा है, करंट आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जीरो पे है तो वो नॉर्मल कंडीशन में, जब तक हम उसको वन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा. इट मीन्स जीरो तक, जब तक यहाँ नैंड गेट पे जीरो आउटपुट रहेगी, हमारा अलार्म जो है वो बिल्कुल जो है चुप रहेगा, वो रिंग नहीं करेगा. तो हमारी ये कंडीशन क्या करेगी, ये नॉर्मल कंडीशन रहेगी, ठीक है, और ये हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में, ये सिचुएशन हमारी इमरजेंसी के लिए होगी, ठीक है. अब हम यहाँ पे हमारे नैंड गेट के साथ जो हमने डिज़ाइन किया है एक सेफ्टी अलार्म का, उसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है. हमने क्या किया, ये एक बैटरी ली है, बैटरी को कनेक्ट किया है LDR के साथ, ठीक है. LDR बेसिकली किस में कनेक्ट है, यहाँ पे नैंड गेट यूज हुआ है. नैंड गेट की दो इनपुट्स होती हैं, ठीक है, ए एंड बी. एक इनपुट को हमने सिंपली रेजिस्टर के साथ अटैच करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, ठीक है. सेकेंड इनपुट को हमने एक LDR से कनेक्ट किया, ठीक है. तो ये LDR बैटरी और एंड गेट के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है. इसको यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेजेस मिल रहे हैं, R को भी मिल रहे हैं, और हमने कहा कि ये LDR तब तक काम करेगा, वर्किंग कंडीशन में रहेगा जब तक इस पर लाइट फॉल करिए. इट मीन्स लाइट फॉल करिए तो यहाँ पे ये क्या देगा, और यहाँ से हमारा करंट पहले ही फ्लो कर रहा था, लाइट जितनी देर फॉल करती रही रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है. लाइट की वजह से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है. रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि मैक्सिमम करंट पास करेगा, यानी वो हमें वन प्रोवाइड कर देगा ऑन द इनपुट ऑफ नैंड गेट, ठीक है. यहाँ से भी हम पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करें, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास इस टाइम वन है. तो अब वन वन पे हम देखते हैं कि नैंड गेट क्या कर रहे हैं, जीरो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जीरो. जीरो आउटपुट जब अलार्म को मिलेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है. जीरो मीन्स उसको वो कट ऑफ में है, वो वर्किंग कंडीशन में इस टाइम नहीं है, तो हमारा अलार्म जो है वो बिल्कुल सेट रहेगा. सो ये थी हमारी वो कंडीशन जब नॉर्मल कंडीशंस थी कि इसके ऊपर लाइट फॉल करती रही, जितनी लाइट फॉल की रेजिस्टेंस उतनी डिक्रीज होगी और मैक्सिमम करंट पास आउट होके नैंड गेट पे प्रोवाइड हो गया, यानी वन इनपुट मिल गई, और इसको ऑलरेडी हम वन इनपुट दे रहे हैं तो दोनों जो है वो वन वन करके नैंड गेट के आउटपुट पे हमें जीरो दे रहे हैं और अलार्म बिल्कुल खामोश है. अब हम क्या करते हैं, अब लेट सपोज कि कोई जो है हमारा कोई भी अननोन पर्सन एंटर हुआ है, ठीक है, उसको नहीं पता, और वो जब इसके सामने आ जाएगा LDR के सामने, ठीक है. इट मींस अब यहाँ पे उसको लाइट नहीं मिली, अंधेरा हो गया. अब ये बहुत बड़ा अलार्म नहीं होता कि पर्सन जो है उसको कवर ना कर पाए, इतना होता है कि जैसे पर्सन आगे आए तो वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ठीक है. कवर होने का मतलब है कि लेट सपोज इतना कोई पर्सन यहाँ आके खड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लाइट फॉल करना बंद हो जाएगी, ठीक है. सो अगर लाइट फॉल करना बंद हो गई तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अभी हम बात कर रहे थे कि जब तक इस पर लाइट फॉल करी थी रेजिस्टेंस कम थी और करंट मैक्सिमम था, ठीक है. अब इसकी रेजिस्टेंस जब लाइट फॉल करना बंद कर चुकी है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है. रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी कि उसने करंट को पास आउट नहीं होने दिया या इतना माइन्यूट होने दिया कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है वो जीरो आ गई, ठीक है. और ऑटोमेटिकली यहाँ से तो हम पॉजिटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे थे, यानी यहाँ पे हाई पोटेंशियल ही प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है. तो यहाँ से वन ही जाएगा, लेकिन यहाँ से अब चूंकि लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करी तो यहाँ पे जीरो आ गया. अब हम 10 पे देखते हैं कि 10 पे नैंड गेट किस तरह ऑपरेट होता है. 10 पे वन आंसर मिल जाता है, इट मींस यहाँ पे अब वन आ गया. वन मींस अब आउटपुट वन जो है वो कनेक्ट हुई है आगे फर्दर अलार्म से. अलार्म क्या करेगा, जब उसको इनपुट वन मिलेगी तो वो बजना शुरू कर देगा. इट मींस कि कोई अननोन पर्सन जो है वो एंटर हो चुका है, जिसको ये नहीं पता था कि अलार्म लगा हुआ है, और वो जब उस अलार्म के बिल्कुल सामने आया तो क्या हुआ कि लाइट जो है वो फॉल करना उस पर बंद कर गई LDR पे, और ऑटोमेटिकली अलार्म ने रिंग करना शुरू कर दिया जब वो नैंड गेट से पास आउट किया, ठीक है.
ये हमारी तब कंडीशन आ गई अगर एलडीआर के सामने, ठीक है. अब लेट सपोज कि कोई ऐसा है कि वो इसके सामने नहीं आ सका, ठीक है. तो हमने क्या किया हुआ है कि ये जो हमारी ए इनपुट है और रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोगों ने एक स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है. ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन का पांव इस स्विच पे आ जाए, ठीक है, जो कि पहले हम लोगों ने निकाला हुआ था, यानी ओपन था, ठीक है. ओपन होने का मतलब है कि यहाँ से ये चीज़ कोई वर्किंग कंडीशन परफॉर्म नहीं करी और जितना भी यहाँ पे करंट है वो डायरेक्टली फ्लो करके आगे इनपुट पे जा रहा है. अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब स्विच क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हुआ, क्लोज को यहाँ से नेगेटिव सिग्नल मिला, ठीक है, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ बैटरी के. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो ये ए इनपुट थी ये जीरो हो गई, ठीक है. ये वन ही रहा क्योंकि अब एलडीआर के सामने वो पर्सन नहीं आया, यानी एलडीआर पे डार्कनेस नहीं हुई, तो ये वन ही रहेगा. लेकिन अगर उस पर्सन का स्विच पे पाँव आ गया तो स्विच क्लोज हो जाएगा. स्विच क्लोज होने से नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो, यानी हम उसको जीरो इनपुट कहते हैं, ठीक है. तो 01 पे नैंड गेट किस तरह परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, 01 पे अगेन हमें 1 आंसर मिल रहा है. 1 आउटपुट का मतलब है कि अलार्म को अगर 1 इनपुट मिलेगी, यहां से ये नैंड की आउटपुट है ये 1 और आगे अलार्म की ये इनपुट है. तो अलार्म को जब इनपुट 1 मिला तो ये ऑटोमेटिकली बजना शुरू कर देगा, ठीक है. और जब बजेगा तो हमें ऑटोमेटिकली ये बात पता चल जाएगी कि अलार्म जो बज रहा है वो किसी अननोन पर्सन की एंट्री के बारे में हमें बता रहा है. इसी तरह ये हमारे जो गेट्स हैं वो फायर अलार्म्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं कि जब फायर प्रोड्यूस होती है तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. तो हम वहाँ पे ऐसे रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं, ऐसी जो है हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और उस टेम्परेचर की वजह से अलार्म ऑटोमेटिकली रिंग करना शुरू कर देते हैं. सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द हाउस सेफ्टी अलार्म.